ड्रैगन्स। यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है वह है उड़ने वाला, आग उगलता, एक खतरनाक जीव। बहुत सी संस्कृति की माने तो यह एक पौराणिक जीव है, पर बहुत से लोग इसे एक काल्पनिक जीव मानते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ड्रैगन्स वास्तविक में पाए जाते हैं तो जी हाँ, पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ ड्रैगन्स रहते हैं, जो ना ही उड़ते हैं और ना आग उगलते हैं, पर यह विशालकाय और बेहद ही खतरनाक होते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ऑरा बुलाया जाता है, जिसका मतलब है ड्रैगन्स। हम बात कर रहे हैं कोमोडो ड्रैगन्स की। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आइए आज जानते हैं कोमोडो ड्रैगन्स के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। कोमोडो ड्रैगन का वैज्ञानिक नाम वरेना कोमोडेंसिस है और यह जानवरों के साम्राज्य के सबसे विशाल जीवित छिपकली हैं। यह मॉनिटर छिपकली परिवार का हिस्सा है और यह बेहद ही भीमकाय और खूंखार होते हैं। यह पृथ्वी पर लगभग 2 करोड़ सालों से रह रहे हैं। कोमोडो ड्रैगन 2.5 से 3 मीटर लंबे और 90 से 140 किलोग्राम वजनीय हो सकते हैं। नर कोमोडो ड्रैगन मादा से आकार में ज्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं। इनकी शक्तिशाली पूंछ लगभग इनके शरीर के ही इतने बड़े होते हैं, जिसे यह कोड़े के तरह इस्तेमाल करके अपने शिकार को मार गिरा सकते हैं। इनके बड़े नुकीले घुमावदार पंजे इनके बेहद प्रभावी हथियार हैं और साथ ही इन्हें पेड़ पर चढ़ने और जमीन में सुरंग खोदने के अनुकूल बनाते हैं। इनकी खाल बेहद ही सख्त होती हैं, जो इन्हें एक रक्षा कवच जैसी सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनमें सांपों की तरह दोमुही जीभ होती हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को लगभग 4 किलोमीटर दूर से ही भांप लेते हैं। कोमोडो ड्रैगन 17,000 टापुओं वाले देश इंडोनेशिया के कुछ टापू जैसे कोमोडो, फ्लोरेस, रिंका, गिलिमोटैंग इत्यादि पर पाए जाते हैं। इन्हें गर्म और सूखी जगह पसंद है और ये दिन में सक्रिय होते हैं। आमतौर पर कोमोडो ड्रैगन अकेले घूमते और शिकार करते हैं, पर खाने और प्रजनन के लिए अक्सर ही झुंड में पाए जाते हैं। सबसे विशाल काय नर भोजन पर अपना पहला हक जमाता है, वहीं समान आकार वाले नर भोजन और प्रजनन के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और कभी कभी तो विजेता हारने वाले कोमोडो ड्रैगन को खा जाता है। जी हाँ, कोमोडो ड्रैगन्स नरभक्षी होते हैं, जो अपने ही प्रजाति के छोटे और कमजोर ड्रैगन्स को खा जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन्स अपने इकोसिस्टम के खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर आते हैं और दूसरे किसी भी जीव को खा जाते हैं। यह एक बार में अपने शरीर के वजन का 80% तक खाना खा सकते हैं, अर्थात 100 किलो वजनीय ड्रैगन एक बार में 80 किलो तक मांस खा सकते हैं। यह गिलहरी से लेकर बड़े भैंसों तक का शिकार करते हैं और शव एवं सड़े हुए मांस को भी खाने से परहेज नहीं करते। इनके आहार में इनके टापू पर पाए जाने वाले अन्य जीव जैसे हिरन, जंगली सुअर, बकरी, भैंस इत्यादि शामिल हैं। इनके मुंह में लगभग 60 नुकीले दांत होते हैं, जिनसे यह अपने शिकार को काटकर घायल कर देते हैं। शव खाने की वजह से इनके लार में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, जो इतने खतरनाक हैं कि अगर ये किसी को काट लें तो 24 घंटे के अंदर उसकी इन्फेक्शन से मौत हो जाती है, जिसके बाद ड्रैगन अपने शिकार के शव को ढूंढ कर खा जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन के निचले जबड़े में विष की एक ग्रंथि होती है, जो इसके काटने पर इसके शिकार का रक्तचाप बेहद ही कम कर देता है और शिकार शॉक में चला जाता है। इससे पहले कि शिकार दम तोड़े, ड्रैगन उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। क्यों, है ना ये खतरनाक? कोमोडो ड्रैगन्स के टापुओं पर मेगापॉड्स पक्षी होते हैं, जो जिंदगी भर जोड़ी बनाकर रहते हैं और ये अपने घोंसले को सालों भर बहुत ही अच्छी अवस्था में रखते हैं। मादा कोमोडो ड्रैगन इसका फायदा उठाती हैं और इनके घोंसलों में घुसकर अंडे दे देती हैं। कोमोडो ड्रैगन एक बार में लगभग 30 अंडे तक दे सकती हैं और यह अपने अंडों की रक्षा तब तक करती है जब तक कि बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते। कोमोडो ड्रैगन्स के बच्चे अंडे से बाहर निकलने के बाद लगभग 3 साल तक पेड़ों पर छुपकर रहते हैं और वयस्क होने के बाद ही नीचे उतरते हैं, क्योंकि इन्हें खुद के ही प्रजाति के बड़े ड्रैगन से खतरा होता है। कोमोडो ड्रैगन्स आज विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं और यह एंडेंजर्ड जानवरों की श्रेणी में आ चुके हैं। भोजन की कमी, प्राकृतिक वास का नुकसान और इनके अवैध शिकार से इनके संख्या पर भारी असर पड़ा है। आज दुनिया में सिर्फ कुछ हजार ही ड्रैगन्स रह गए हैं। इनके वजूद को बचाने के लिए 1990 में लेजर सुंडा आइलैंड्स, इंडोनेशिया में कोमोडो नेशनल पार्क की स्थापना की गई। कोमोडो नेशनल पार्क के अंदर
तीन बड़े टापू कोमोडो, पदार, रिंका और 26 छोटे टापू आते हैं, जहां कोमोडो ड्रैगन के साथ साथ अन्य स्थानीय जीव को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए भी खुला है, जहां आप जाकर ड्रैगन्स को देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोमोडो नेशनल पार्क इन दुर्लभ ड्रैगन्स को विलुप्त होने से बचाने में कामयाब होंगे और पूर्व की तरह इन ड्रैगन्स का इनके टापू पर साम्राज्य कायम रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप विभिन्न जीव के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।